Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live ऐप डाउनलोड करें. Sony Live, we live to entertain. हेलो, हाय, मैं ठीक हूँ. तुम कैसे हो? कौन माँ जी? तुम्हें बताया था ना, वो तो चार धाम की यात्रा के लिए गई है. हाँ, 2-4 दिन में आ जाएंगी. आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह ध्यान रख रही हूँ उनका. अच्छा मुझे बताइए, आप कब आ रहे हैं वापस? जल्दी आओ ना, मुझे आपको बहुत देखने का मन कर रहा है. हाँ ठीक है, बाय. चलो यहाँ बैठते हैं, आ जाओ. अरे बैठो तो प्लीज, मुझे प्लीज प्लीज 2 मिनट के लिए बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो ना प्लीज प्लीज प्लीज. आओ आओ. क्या हुआ? क्या? मुझे भूख लगी होगी ना, देख मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ. ये ना छड़ दे मन, ज्यादा तो मुझे तुझे रखती सोहम. भाई क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है? मैं तेनू नहीं छड़ सकती, समझना. नहीं समझना, मुझे कुछ समझी तो नहीं समझना है. एक तू और वो मेरी पागल सास, दोनों एक जैसे हो. वो पेपर पर साइन नहीं कर रही है और तू यहाँ पे चीख रहा है. सब अपने बारे में सोचते हो ना, कोई मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं है कि एक अकेली लड़की ये सब कैसे हैंडल कर रही होगी, है ना? खाना खा चुपचाप. बहुत सोती है तुम. चलो सीधे बैठो, सीधे बैठो. ये देखो, आज के अखबार में तुम्हारी राशि में क्या लिखा है? पानी से बच के रहना. पर क्यों? अच्छा, हर साल हजारों लोगों की मौत बाथरूम में फिसलकर खोपड़ी फूट जाने से हो जाती है ना. शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए. काफी आसान मौत होगी ना ऐसे, किसी को पता नहीं चलेगा. अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ के तुम्हें मार के बाथरूम में डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा ना, तुम्हारे बेटे को भी नहीं. वैसे तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर मैंने दिए हुए पेपर्स पे तुम साइन कर दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी. डील? पागल बुढ़िया, तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती है? हाँ, मार करके हमेशा. जीते जी यमराज याद दिला दिया ना. तक किया था किसी ने ऐसा? नहीं ना? चल अब साइन. नहीं करना, मैं नहीं करूंगी, मेरे लड़के को बुलाओ. तो मोटी बुद्धि समझ नहीं आता तेको? हाँ? अभी तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ. हेलो कैसे हो? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? आवाज से तो लग रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो और मैं भी तुम्हें और आई को, दोनों को मिस कर रहा हूँ। अच्छा नेत्रा, आई आ गई ना वापस? हाँ आ गई, सो रही है। अच्छा बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? आ रहा हूँ, परसों ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास, इंडिया। और तुम्हारे लिए और मॉम के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लाने वाला हूँ। टेक केयर, बाय बाय। नेत्रा प्लीज़ प्लीज़ चढ़ दे मुझे, याद कर मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने तेरा ध्यान रखा है। मैंने बड़े प्राण की तरह नहीं, पापा की तरह ध्यान रखा है ना तुम्हारा। हाँ, मैंने तुम्हें पाल पोस के पढ़ा किया है और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, अरे बड़ा प्राण तेरा मैं। अरे आज भी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल चुप। पोस्कर बड़ा किया है, इसका मतलब मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, ठीक है? और मैंने भी ना तेरे लिए बहुत कुछ किया, तो एहसान बराबर। तुम्हें छोड़ने की बात तो वो तो होने से रहा, तो उस प्रिया के पास वापस नहीं जा सकता, अगर चाहे तब भी नहीं। क्या किया तूने प्रिया के साथ? बताओ मुझे, क्या किया तूने प्रिया को? भाई उससे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, तू है तू। बस 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 बस। कितना हुआ? 500। कोई नहीं है क्या? नेत्रा को तो पता था मैं आने वाला हूँ, तो घर लॉक करके कहाँ चले गए लोग? माँ भी नहीं है। नमस्ते आकी। अरे विजय, तू कभी आया? मैं अभी आया। नेत्रा कहाँ गई है पता है आपको? नहीं पता, लेकिन सुबह इधर ही थी, देखा था मैंने उसे। अच्छा, बाकी ठीक ना? बाकी सब ठीक। आता हूँ। ओके चल। अरे काकू। अरे विजय, कधी आलास तू? मी आता झालो। नेत्रा और आई कहाँ गए? एक्चुअली घर लॉक्ड है, कोई नहीं है। और नेत्रा का तो मुझे नहीं पता, और तेरी आई तो एक हफ्ते से नहीं आई है। नेत्रा तुम बताया था उस दिन, अब वो तीरथ पर गई है ना? क्या? अच्छा नेत्रा, आई आ गई ना वापस? हाँ आ गई। आई, या तो ताला बंद है। राणे, तोड़ दो ताला। मंडप से उठ के सीधा कौन ऐसा नहीं मंदिर आता है? भाई तो मुझे देखना है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे लिए कोई उटपटांग चीज़ कर सकते हैं कि नहीं? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब आपकी जान आपकी नहीं, मेरी है, समझे जान। चलो तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल लेके चलते। माणिक मैडम क्या हिला यार त्याला बट। मैंने प्रिया को कुछ नहीं किया सर। हाँ लेकिन सुबोध को मैंने ही मारा। उसने मेरा घर तोड़ दिया। अच्छी खासी शादी करके सेटल हो गई थी मैं, लेकिन सुबोध ने कहा हमारे गांव में हम शादी नहीं कर सकते, घर नहीं बसा सकते। फिर मैंने उसकी नहीं मानी। उसने मेरे पति को मार डाला और मुझे वहां से भागना पड़ा। तब से लेके अब तक मैं उसी के इशारों पे नाचती रही। उसने जो कहा मैंने सब किया। फिर जब उसे प्रिया मिली, उसे प्रिया से प्यार हो गया। वो ये धंधा छोड़ के घर बसाना चाहता था सर। अगर उसने मेरा घर नहीं बसने दिया तो मैं उसका घर कैसे बसने देती। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं तेरा भरा हूँ, माफ कर दे मुझे। छोड़ 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 जा, छोड़ दिया तुझे। तूने मुझ पे तरस नहीं खाया था, मगर मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। आई है तू मेरा, नहीं मार सकती मैं तुझे। आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इतरा तूने प्रिया को क्या किया? बताओ क्या किया तूने? जिंदा तो है ना प्रिया? क्यों क्यों ये तूने प्रिया के साथ? तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, समझी तो? हाँ अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता सर। जी चलो, खातिरदारी करनी है तुम्हारी। सब आप ये क्या बोल रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि सुबोध डॉक्टर प्रिया के साथ। बिना प्रिया को जाने तुमने नेत्रा से कैसे कह दिया कि सुबोध को अकल सिखाए? सर मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेत्रा ने सब कुछ कबूल कर लिया है। झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ, झूठ वो बोल रही है। और ये तुम्हारे एसएमएस जो तुमने नेत्रा को भेजे थे, ये भी झूठ बोल रहे हैं। सुबोध से शादी करके मैं बहुत खुश थी, उतना लाइफ में कभी नहीं हुई। सुबोध मेरे बच्चे को अपने बाप की तरह प्यार करता था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन वो डॉक्टर प्रिया हमारी लाइफ में आ गई। सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। फिर नेत्रा ने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी शादी खुद बचाने की ठान ली। और एक दिन अभी तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि बच्चा मेरा नहीं है, कल्पना का है। अच्छा प्रिया गल तो सुन, कल ठीक 11 बजे विलेपाले हाईवे है ना, उसके नज़दीक जो लवर पॉइंट है वहाँ मिलते हैं। उसके बाद हम आर्या समाज जाएंगे और शादी कर लेंगे। अच्छा शादी का जोड़ा पहन के आना। बाय। ये शादी मुझे किसी भी हाल में रोकनी थी, इसीलिए सुबोध के वहाँ पहुँचने से पहले मैं वहाँ पहुँच गई। प्रिया। हाँ जानती हो ना तुम कि सुबोध शादीशुदा है, हमारा एक बच्चा है। उसके बाद भी तुम। वो सुबोध का बच्चा नहीं, सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। और सुबोध तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। मैं सुबोध की जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। उसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक आदमी जो किसी के साथ वफादार नहीं था, तुमने कैसे मान लिया? कि किसी की जान लेने के बाद वो ईमानदार और शरीफ हो जाएगा? एक धोखेबाज आदमी के चक्कर में दो अच्छे खासे खुशहाल औरतों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। कल्पना को डॉक्टर प्रिया के कत्ल के लिए और नेत्रा को चोरी और सबूत के कत्ल के साथ साथ उसके पहले के मामलों के लिए भी गिरफ्तार किया गया है। जब किसी चीज को पाने के लिए अपने आप को सफाई देनी पड़े, कदम आगे बढ़ रहे हों लेकिन अंतरात्मा उन्हें पीछे खींचती रहे, तो समझ जाना चाहिए कि यह रास्ता और ये चाहत गलत हो सकते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।